देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब में फसल खरीद को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों, आढ़तियों और चावल मिलर्स ने आज से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस वजह से आज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु और केरल में आज भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब चुनाव आयोग के जारी आदेश अनुसार 15 अक्टूबर को करवाए जा रहे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान आज से 29 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन करेगा। सरस मेले में करीब 30 राज्यों की 900 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग लेंगी। रेवाड़ी के कोन सीवास रोड स्थित विजयनगर के एक समारोह स्थल में पूर्व वायु सैनिकों की ओर से वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में आज समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से हवन के साथ होगी। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल परिषद के द्वारा आज श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रातः 8 बजे महायज्ञ होगा और उसके पश्चात 9:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। आज यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए यूरोलॉजी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। यूरोलॉजी जागरूकता दिवस के माध्यम से आम जनों को मूत्र संबंधी रोगों के बारे में समझाने और जागरूक करने के लिए मूत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा महती भूमिका निभाई जाएगी। हल्द्वानी में आज पंजाबी वुमेन्स क्लब द्वारा आज 5:00 बजे से शकुंतलम लॉन, रामपुर रोड हल्द्वानी में तनिष्क करवा चौथ उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे सदस्यता अभियान में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं अब बचे हुए लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी आज विशेष सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इंदौर में 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय सोपा कॉन्क्लेव का आयोजन आज से होगा। इसमें खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। प्रदर्शनी में उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन होगा और सोयाबीन व खाद्य तेल उद्योग से जुड़े लोगों के साथ सीधे संवाद करने का मौका मिल सकेगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1911 में अशोक कुमार भारतीय अभिनेता का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1943 में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन सन 2000 में जर्नैल सिंह फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक पुल पर भगदड़ मचने से 109 लोगों की मौत हो गई थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।